हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स स्टडी जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और जो प्रमुख नदियां उनके जो उद्गम स्थल है या उनका मुहाना कहां पर है, उन सभी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीडियो SS ग्रुप डी का एग्जाम हो या डेली पुलिस का कोई एग्जाम हो, SSC का, CGL, MTS, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट PSC हो या MPPSC, किसी भी एक हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है, हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से तो बनते ही हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कम से कम 3 या 4 बार देखें ताकि आपको ये वीडियो याद हो जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी यूनिवर्स। सबसे पहले बात करते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं की। इसमें हम बात करेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इंदिरा सागर नहर परियोजना, यह है सतलज और ब्यास, इन दोनों नदियों पर है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जो नहर है वह हरियाणा से राजस्थान और पंजाब, इन तीनों स्टेट में बहती है। हीराकुंड जो परियोजना है वह महानदी पर बनाई गई है, आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कुछ नदियां तो ऐसी हैं कि उनके नाम पर ही परियोजनाओं के नाम रखे गए, तो ये तो आपको याद ही हो जाएंगे। जैसे ये तुंगभद्रा परियोजना, तो ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है, आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। ओकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर है, यह गुजरात में बनाई गई है, महाराष्ट्र में भी है, थोड़ी सी है। जो दोस्तों इनका जो लाभ होता है इन परियोजनाओं से वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीनों राज्यों का होना है ओकाई परियोजना से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेहंद नदी परियोजना, दोस्तों ये रेहंद नदी पर बनाई गई है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है, दोस्तों ये केरल में बनाई गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए टेहरी बांध है वह उत्तराखंड में है। सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही है, सलाल परियोजना, टेहरी परियोजना, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो हर एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण रेखा परियोजना, दोस्तों यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनाई गई है। शिव समुद्रम और मैटूर बांध परियोजना, ये कावेरी नदी पर बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों की ये तीनों परियोजनाएं हैं, आपको याद रखना है, जो कावेरी नदी पर बनाई गई है। तेनुघाट परियोजना, दामोदर घाट परियोजना, ये दामोदर नदी पर स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तेनुघाट है। दामोदर नदी तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि दामोदर नदी पर है, लेकिन तेनुघाट परियोजना ये भी दामोदर नदी पर ही है, ये भी याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं गस्ती परियोजना, दोस्तों यह चिनाब नदी पर बनाई गई है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ परियोजनाएं, जो प्रमुख परियोजना उनके बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। इसके अलावा वो नदी कहां पर जाके समुद्र से मिलती है, मुहाना जिसे कहते हैं, उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम सिंधु नदी की। दोस्तों, जो इसका उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील है, जो फिलहाल तिब्बत में है, जो अब चीन का जो है चीन का एरिया है। बात करें मुहाने की, तो अरब सागर में इसका जो मुहाना है वह अरब सागर है, यानी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। बात करें नर्मदा नदी की, तो अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है, वहीं खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर यह गिरती है। ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों, ये दोनों नदियाँ आपको बता दें, इस तरह जाके पश्चिम की तरह ये नदियाँ जाती हैं और बीच में सतपुड़ा पर्वत है। दोस्तों, इसके ऊपर विंध्य पर्वत है, ये नर्मदा नदी है दोस्तों, और ये जो है वह ताप्ती नदी है। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करें यमुना नदी की, तो दोस्तों यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, इलाहाबाद या प्रयागराज में, आपको पता होगा। रामगंगा नैनीताल के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है, और ये नैनीताल से निकलती है।
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। सबसे पहले बता दें आपको, इसका जो उद्गम स्थल है वह नैनीताल के निकट है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बात करें गंडक नदी की तो यह गोसाईनाथ चोटी नेपाल से निकलती है और यह गंगा नदी में इसका समागम हो जाता है। कोसी नदी की बात की जाए तो सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में इसका भी समापन हो जाता है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह समागम हो जाता है। महानदी की बात की जाए तो दोस्तों यह सिहावा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका समापन हो जाता है। दोस्तों एक डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मानसरोवर झील है तो यहाँ से होते हुए सिंधु नदी इस तरीके से जाते हुए पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में मिलती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह इस तरफ जाती है और यहाँ से होते हुए भारत में आते हुए यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों भारत के एक तरफ सिंधु नदी है और दूसरी तरफ इसका जो मुहाना ब्रह्मपुत्र का मुहाना है वह बंगाल की खाड़ी है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं एक ही नदी को लेके। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बात करें कावेरी नदी की तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। गंगा की बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और इसे पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं, फिर इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिल जाती है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यह यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जमुना नहीं यमुना नदी है। बात करें अगर चिनाब नदी की तो बारालाचा दर्रे से निकलती है और यह है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों चिनाब नदी भी पाकिस्तान में थोड़ी सी बहती है, उसके बाद यह सिंधु नदी में मिलती है। दोस्तों ये हमने इम्पोर्टेंट बात की नदियों की। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे बात करते हैं झेलम नदी की, तो दोस्तों ये शेषनाग झील से निकलती है, इसके बाद यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से महाराष्ट्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। बात करें लूनी नदी की तो दोस्तों यह कच्छ की रण से में जाकर मिल जाती है। बात करें ब्यास नदी की तो रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज नदी में जाकर यह मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी का जो उद्गम है वह विक्टोरिया झील से है और ये जो जाकर मिलती है वह भूमध्य सागर से जाकर मिलती है। बात करें अमेजन नदी की तो दोस्तों इसका जो लेगो विल फेरी यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। हवांगो नदी दोस्तों यह क्यू लून पर्वत से निकलती है और चहल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर यह मिल जाती है। वोल्गा नदी स्लाइडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर से जाकर यह मिल जाती है। दोस्तों ये हम इंटरनेशनल नदियों की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको याद होने चाहिए, कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें यांगसी नदी की तो दोस्तों यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के सागर में जाकर मिल जाती है। कांगो नदी का जो उद्गम स्थल है वह लुआताया में है और यह अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख नदियां हुई जिनकी हमने मुहाने और उद्गम स्थल के बारे में बात की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिए।